शहर के टाउन थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला मोहल्ले में अपराधियों ने आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के भतीजे और प्रतापपुर निवासी शेख हजीमुल्ला के पुत्र मोहम्मद यूसुफ की हत्या के बाद जिले में एक बार फिर दहशत कायम हो गई है। इस हत्याकांड के बाद लोगों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। माहौल की नजाकत को देखते हुए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। हराने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। एहतियात के तौर पर एसपी नवीन चंद्र झा ने डीएवी मोड़, विशाल मेगामार्ट, प्रतापपुर मोड़ सहित आधा दर्जन जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए। पुलिस पदाधिकारी लगातार गश्त करते दिख रहे हैं। इधर प्रतापपुर निवासी शेख हजीमुल्ला के पुत्र मोहम्मद यूसुफ की हत्या के बाद जिले में दहशत का माहौल कायम है। हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है। दक्षिण टोला मोहल्ले में पहुंचे परिजनों और गांव के लोग उसके मुंह में झूठन देकर भौचक्के रह गए। परिजनों ने कहा कि यह घटना किसी साजिश का परिणाम है। चर्चा यह भी हो रही है कि कहीं दूसरी जगह पर हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के लिए अपराधी शव को धार्मिक स्थल के समीप रखकर चले गए हैं। पुलिस को 3 गोलियां और 1 खोखा मिला है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गोली किस जगह मारी गई है। मिली गोलियों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा था अपराधियों ने यहीं पर घटना को अंजाम दिया है। वहां खून का एक बूंद न होने पर पुलिस को परेशानी में डाल रखा था। फिलहाल पुलिस बरामद गोली और खोखे को जब्त कर हत्याकांड के खुलासे में जुट गई है। हुसैनगंज थाना अंतर्गत प्रतापपुर में हत्या की सूचना के बाद मातम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद शव देर रात गांव पहुंचा। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यूसुफ की हत्या कर दी गई है। इस सदमे में गांव की एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुष नाजिर मियां की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।